भारत सरकार ने 3 कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा करते हुए कहा है कि सरकार अब 3 कृषि कानून वापस ले लेगी, जिसके बाद किसानों ने इसका स्वागत किया और जश्न भी मनाया। तो वहीं अब राजनीतिक पार्टी का ये कहना है कि किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए सभी किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाई जाए। मुरादाबाद देहात विधानसभा क्षेत्र के गांव तिगरी में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन कराया गया। कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष असलम खुर्शीद और देहात विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी डॉक्टर शकील ने सभी किसानों से बातचीत की और कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ है। सत्य के लिए जो आंदोलन किए जाते हैं उसमें कामयाबी जरूर मिलती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन में काफी समय के बाद एक बड़ी कामयाबी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मिली थी। आज वही कामयाबी किसानों को एक बड़े आंदोलन के बाद मिली है। सरकार ने 3 कृषि कानून को वापस लेने के लिए घोषणा कर दी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के इस आंदोलन में हमेशा उनके साथ रहे। वहीं कांग्रेस पार्टी से देहात विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी डॉक्टर शकील का ये कहना था कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चल रही है और हम हमेशा किसानों के साथ हैं। ठीक रही है, विधानसभा 27 में आता है और आज हम सभी कांग्रेस पार्टी के सदस्य, हमारे जिलाध्यक्ष, चेयरमैन साहब सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जो सरकार ने ये 3 काले कानून वापस लिए हैं उसकी खुशी के उपलक्ष में, लेकिन तभी हम खुश रह पाए, खुश होंगे अच्छी तरह से, जब ये लिखित रूप में कानून पारित हो जाए। सरकार ने 3 काले कानून दिए जिससे जो है किसानों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती, आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती, महंगाई बढ़ जाती, किसानों के उनसे अधिकार छीनने का पूरा उनका काम चल रहा था। ये इनका जो पूरा उद्देश्य अपना, जो जितने भी इनके पूंजीपति हैं उन्हें फ़ायदा पहुँचाना था। तो ये 3 कानून जो है जो कैंसिल हुए, इससे सभी में खुशी है, सभी गाँव के लोगों में खुशी है, सभी किसानों में खुशी है। और जो है ये एक सरकार का एक झुक के फैसला हुआ और इसका सभी में बहुत अच्छी पॉजिटिव है। कौन कौन से गांव में आज आप गए हैं? अभी हम यहाँ से ग्रुप से निकल कर आए हैं, ठीकरी में हैं। पूरे ठीकरी गांव का दौरा होगा, आसपास के गांवों का दौरा होगा, जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष जी असलम खुर्शीद साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं अफजल साहबी साहब, और ये हमारे जो पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू जी, उनके आह्वान पर किया। इस दौरान नुक्कड़ सभा के दौरान भारी संख्या में किसान भी मौजूद रहे, जहां पर सभी ने अपनी बात रखते हुए कहा, कांग्रेस से भटके हुए थे हम लोग, लेकिन अब हम कांग्रेस के साथ हैं, क्योंकि जो फायदा कांग्रेस से किसानों को था वो किसी सरकार से नहीं मिला। अब कानून कैंसिल कर दिया है तो क्या कहें? हम संतुष्ट हैं, कानून वापसी ले लिया है, वापसी लेने से, लेकिन इसका खुलासा होना चाहिए, इसका लिखित रूप में खुलासा होना चाहिए। लिखित रूप में ना, जब तक हमें कोई विश्वास नहीं है कि पास हुआ, 2022 आ गए ना, 2022। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं संभावित प्रत्याशी राहत खान का ही कहना था कि कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ है। ये मुरादाबाद 27 विधानसभा में टीकरी गांव है हमारा, और यहाँ जो 3 कानून जो इनके वापस हुए हैं, मोदी जी ने कल लिए हैं, इसके खुशी में हम लोग सब यहाँ पर आए हैं। जिला अध्यक्ष साहब हैं हमारे और जित साथी हैं सारे, हम लोग इसी खुशी में यहाँ पर आए हैं। और कहना मेरा यही है कि ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है जो इस अभी तक विपक्ष में जो लड़ रही थी इस काले कानून के खिलाफ, तो हमारी कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका मैडम हैं जो सड़कों पर उतरी हुई थी, और अभी तक हम ही लोग इसकी कोशिश में कर रहे थे। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जो सिर्फ इस काले कानून के खिलाफ लड़ रही थी, ना सापा हो या बसपा हो, सब अपने मिली जुली इन लोगों की वो थी, अदरवाइज सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही इसकी कोशिश की वजह से ये सब कामयाब हुआ। लेकिन अभी हम लोग जो है, खुशी तो यकीनन है हमें, लेकिन अभी मोदी जी की बातों पर हम पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये झूठ और मकारी वाली सरकार है। इसका आज है कल क्या पता, ये सिर्फ इलेक्शन का एक मुद्दा है। अब से 6 महीने पहले अपने लोगों से मैं यही कहता था कि जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो ये सरकार इसको वापस लेगी, और सिर्फ ये इलेक्शन की वजह है जो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इसके बाद अभी पता नहीं क्या ये नया कोई वो लेके आए, लेकिन अभी जब तक पार्लियामेंट में इसको सही तरीके से पारित नहीं होगा, ये खत्म नहीं दे, खत्म नहीं होगा जब तक किसान भी नहीं हटेंगे, टिकैत जी भी नहीं हटेंगे, और हम लोग भी इसकी पूरी उसमें लगे रहेंगे। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेसी नेताओं के साथ किसान भी मौजूद रहे।